बिस्मिल्र रन रही बिस्मिल्ल रन रही थ्री नाइन्थ एडिशन सिक्सटी फोर एडिशन स्किन डिसऑर्डर एंड डायबटीज इन डायबिटीज मिलाइटस डायबिटीज मिलाइटस वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम डेली बेसिस पर अपने ओपीडी में जो है वो डील करेंगे और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो डिफरेंट जो है वो स्किन मैनिफेस्टेशन के साथ जो है प्रेजेंट करते हैं क्लिनिकली हम जो डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली इसे क्लासिफाइड करते हैं फोर टाइप्स में जो टाइप वन डायबिटीज मेलाइटस होती है ये प्योरली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है जुमिनाइल ऑनसेट होगी और एसोसिएट करती है एच एल ए डी आर थ्री के साथ डी आर फोर के साथ एंड डी क्यू बी वन के साथ ठीक और इसका पेशेंट जो होता है वो मोस्ट कॉमनली जो होता है वो जाता है कीटो एसिडोसिस में और ये ऑटो एंटीबॉडीज इसमें जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है ये एक सुपर जो है जर्नल आपको जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है डायबिटीज मेलाइट क्योंकि डायबिटीज मेलाइटिस है क्या अब इसमें जो टाइप वन डायबिटीज मेलाइटिस है ये जोनाइल है एक्यूट ऑनसिट है और मोस्टली थर्टी ईयर्स से पहले जो है पेशेंट प्रेजेंट करता है वो प्योरली इंसुलिन डिपेंडेंट होती है जबकि जो टाइप टू जन डायबिटीज मलाइटिस होती है जो ओल्ड एज में होगी इसका वन ऑफ ओबेस्टी कोमा, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है और एडल्ट ऑनसेट होती है ये आफ्टर द के बाद होती है और इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी मेनली नहीं होती ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है इट्स मीन दैट कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको डिवेलप हो रहा होगा बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर सक रही और रेजिस्टेंस जो है वो डिवेलप हुआ हुआ है ये तो दो मेजर

अब जो इस चैप्टर में हमारे पास हमने मेन पढ़ना है वो हमने कहना पढ़ना है कि डायबिटीज़ इन तमाम कौन सी डायबिटीज जो है वो उसकी कौन सी चेंजेस हमें स्किन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगी तो ये चेंजेस आपको वेस्कुलर फॉर्म में मिल सकती हैं ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाइड करेंगे वेस्कुलर डैमेज होता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने की वजह से आपको मैनिफेस्टेशंस मिल रही होती हैं कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो डायबिटीज पेशेंट में जो है वो कोवन हो सकते हैं और कुछ डायबिटीज का एसोसिएशन विद हाइपर लिपिडीमिया एंड ओबेस्टी के साथ है वो चेंजेस आपको फिर मिलेंगी इसके अलावा जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं मोस्टली जो इंसुलिन देते हैं तो उसकी वजह से कुछ स्किन के ऊपर चेंजेस आ सकती है कुछ अलर्जिन स्किन एलर्जी हो सकती है और कुछ ओरल हाइपोग्लेमिक की वजह से और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं गुलोमेटिस डिजीजे हैं जो आपकी डायबिटीज के साथ जो है एसोसिएट कर रही होती हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस आ जाती हैं जो डायबिटीज के साथ एसोसिएट कर रही है ना तो इसमें मेन मैकेनिज्म क्या होगा जो इस पैराग्राफ में लिखा है इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आपका हाइपरग्लैसीमिया जैसे यहां पे लिखा हुआ है जब भी हाइपरग्लेमिया होगा एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा कि आपका अगर इंसुलिन प्रेजेंट होगी तो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिज्म नॉर्मली जो है वो आपकी क्रिप साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अगर आपकी इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों के दोनों आपके क्या करेंगे आ, 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 जो आपके डिफरेंट पाथवेज है ना पोलियोल पाथवे एंड हेक्सामीन पाथवे जो है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन काइनेस होते हैं जिसको हम एम ए पी के पाथवेज कहते हैं ये दोनों के दोनों जाके आपके uh, जो है पोलियोल uh, पाथवे को एंडोसोमन पाथवे को एक्टिवेट कर देंगे अब जब ये एक्टिवेट होंगे तो एज अ रिजल्ट एडवांस ग्लेसरेशन एंड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगी ये एडवांस ग्लेसरेशन प्रोडक्ट्स जाके आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर और जो है एक्ट uh, करेंगी एज अ रिजल्ट ब्लड वेसल्स में क्या चेंजेस आती हैं तो आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर जो एंडोथीलियल uh, जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बेसमेंट मेन जो होती है वो भी आपकी क्या होगी थिकेंड हो जाएगी जिसमें पास पॉजिटिव मटेरियल की डेपोजिशन हो रही होगी एज अ रिजल्ट क्या होगा कि नैरोइंग ऑफ द आर्ट्रियोल्स आर्टरीज एंड आपके कैपिलरीज़ एंड वेन्यूल्स जो हैं वो नैरो डाउन कर देंगे सही तो इस तरह क्या होता है कि बेस आपको हिस्टोपैथोलॉजी में ब्लड वेसल्स पे क्या चेंजेस मिलेंगी एंडोथेलियल की प्रोलिफरेशन हो जाएगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाएगी पास पॉजिटिव मटेरियल के डेपोजिशन होने की वजह से और नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाएंगी अब ये नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स हमारे पास दो तरह की होंगी एक हम इसको कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज हो रही होती हैं और एक मैक्रो एंजियोपैथीज होती हैं मेनली जो डर्मल स्किन डर्मल मैनिफेस्टेशन होती हैं वो माइक्रो एंजियोपैथीज की वजह से होती हैं क्योंकि एपीडर्मल जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स होती हैं वेरी स्मॉल नैरो ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं ठीक है थीके? तो इसमें आपकी जो माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से रेटिनोपैथी आती है नेफ्रोपैथी आती है न्यूरोपैथीज होती हैं एंड डायबेटिक डर्मोपैथीज भी जो होती हैं वो माइक्रोवेस्कुलेचर या माइक्रो एंजियोपैथीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जबकि आपके जो मैक्रो होंगे उसमें क्या होगा लार्ज ब्लड वेसल्स की एथ्रोस्क्रोसिस हो जाती है उस लार्ज ब्लड वेसल्स की एथ्रोस्क्रोसिस की वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होंगी जिसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड कार्डियो डिजीजेस होती हैं अब इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात लिखी है कि जो आपका डॉपुलर वेव फॉर्म मेजरमेंट होती है ना वो मोर एक्यूरेट मेथड है फॉर अगर आपने डायबिटिक एसोसिएटेड पेरिफ्रल जो है जो है वो देखनी है इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस या आप ब्रेकियल जो प्रेक, जो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि वो फॉस्टली एलिवेट भी हो सकता है नॉर्मल स्टिफनेस एंड कल्सिफाइड वेसल्स की वजह से सो डायबिटिक पेशेंट में आपने जब भी Uh, देखना है लार्ज ब्लड वेसल्स की पैथोलॉजी तो आपको डॉपलर वेव फॉर्म जो है वो मेयरमेंट करनी होगी वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में जो है वो आ जाती है यहाँ तक uh, इसके बात है कि ये वेस्कुलर चेंजेस जैसे मैंने पहले कह दिया कि माइक्रो वेस्कुलर चेंजेस की वजह से आ रही होती है uh, इसमें हम कहेंगे कि लेग अल्सर्स हमारे पास और वेस्कुलर चेंजेस जो होंगी इसमें आपके लेग अल्सर्स वेड गैंग्रीन ऑफ द फुट Lyk, Arithma, Debitic, जो होती हैं ये आपके वेस्कुलर की जो है, वो अब वन वन करके देखेंगे लेग अल्सर जो हैं वो कैसे होंगे अब लेग अल्सर्स आपके क्या होते हैं कि वीनस अल्सर्स होते हैं या न्यूरोपैथिक अल्सर जो होते हैं वेस्कुलर अल्सर्स एंड न्यूरोपैथिक अल्सर जो हैं वो डायबिटीज में जो है वो डिवेलप हो रहे होते हैं अब ये जो वेस्कुलर अल्सर्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं भी बन सकते हैं एंड वीनस भी जो हैं दोनों डायबिटीज में जो है वो बन सकते हैं और ये एंड वीनस अल्सर दोनों पेनफुल होते हैं अब को हम वीनस से कैसे ऑर्ट्रियलिएट करेंगे तो जो ऑर्ट्रियल अल्सर्स होते हैं उनकी कॉमन साइड शिन टोज एंड प्रेशर एरियाज होंगे दूसरा ये जो अल्सर्स होते हैं ये पंचड आउट अल्सर्स होते हैं पेल और नेक्रोटिक वुंड इनमें प्रेजेंट होता है टिश्यू होगा और इनमें जो एक्टेटेट एक्जुडेट होते हैं ना वो उनके वो वेरी मिनिमल होते हैं यानी इतना ज्यादा उजिंग नहीं हो रही होती इन जो आ, आपके अल्सर्स होंगे जो ऑर्ट्रियल अल्सर्स होते हैं और इनके जो सराउंडिंग स्किन होगी वो पेल होगी शाइनी होगी एंड टॉफ्ट एंड थिन जो है वो हो जाएगी उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगी वो ड्राई सी होगी और एब्सेंस ऑफ द हेयर जो होंगे वो आपके ऑर्थ्रियल अल्सर्स की जो है वो कैक्ट्रिस्टिक्स होते हैं जबकि आपके वीनस अल्सर भी क्या होंगे पेनफुल होंगे लेकिन इनकी साइड डिफरेंट होती है वीनस आपके द मीडियल एंड लेट्रल बेलस फॉर्मेशन हो रही होती है ठीक है और इसमें जो है आपका जो है वो आता है वीनस अल्सर जो है वो फॉर्मेशन इसकी आपकी हो रही होती है इसमें देखें अगर आप ये देख वीनस अल्सर जो होंगे आपके मीडियल एंड, लेटरल जो होगा, उसकी पे जो है, वो होंगे और जो नहीं होगी, वो शेप के होंगे और इसमें ग्रेनुलर प्रेजेंट होता है और मॉडरेट टू हाई वुंड होगा जबकि आपका ऑर्ट्री अल्सर क्या होगा मिनिमल एक्सुडेट जो है वो फॉर्मेशन होगी और हिमोसिड्रीन स्टेनिंग लेंगे और इसमें स्टॉन्डिंग जो आपकी स्किन होगी उसमें आपको जो चेंजेस मिलती हैं इट इज अपोडर्मेटोसोसिक्रोसिस हो रही होती है व्हाट इज लैपोडर्मोसरोसिस क्या है जैसे क्रोनिक कोई स्टेसिस होगी या एक्जिमा होगा एज अ रिजल्ट क्या होता है स्टेसिस की वजह से जो स्टेसिस एक्जिमा की फाइंडिंग जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगी जिसमें स्किन जो होती है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन आपको मिलेगी थिकनेस मिलेगी एंड जो है थिक आपको जो है वो स्किन मिलेगी हाइपर पिगमेंटेड होगी लेक्निफिकेशन प्रेजेंट होगी तो वो लेपोडरमेटो चेंजेस जो होती हैं वो आपको विनर अल्सर में मिलती हैं जबकि आर्थर अल्सर में आपकी स्किन जो होगी पेल शाइनी एंड टॉट होती है और फॉर्म एडिमा जो होता है वो वीनस अल्सर्स में जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑट्रियल अल्सर्स तो ये आपके दोनों जो है लेग अल्सर्स आपके डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू द माइक्रोवेस्कुलेचर के जो है वो चेंज होने की वजह से क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो आपकी जो है वो चेंज हो हो रही है इसमें जैसे लिखा है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो डैमेज हो जाता है और इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन होती है और जो आपके न्यूरोपैथिक जो अल्सर्स होते हैं वो ऑटोनोमिक हमारे पास जो है उसकी जो है डैमेज की वजह से होता है अब इसमें अल्टर्ड वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड फेलियर टू द नॉर्मल हाइपरेमिक रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस एंड द ट्रोमा और इन्फेक्शन की वजह से और दूसरा क्या है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा ये फर्दर इंपेयरमेंट करती है वो हीलिंग की तो ये इसमें लेग अल्सर न्यूरो न्यूरोपैथिक लेग अल्सर हम आगे जो है वो पढ़ेंगे जो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में जो है आपको देंगे तो यहाँ तक वीनस अल्सर जो विवेस्टल अल्सर जो है वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे फिर दूसरा जो इसकी मेन फीचर होता है वो बेड गैंग्रीन ऑफ द फुट होती है ड्राई गैंग्रीन होती है और वेट गैंग्रीन होती है अब वेट गैंग्रीन जो होती है मेनली डायबिटीज के पेशेंट में जो है जो है है वो वेट गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है क्योंकि इसमें सडन लॉस ऑफ द परफुलेशन ऑफ ऑलरेडी क्यूटेनस माइक्रोवेस्कुलेचर हो जाती है दो कॉजेज इसमें हो सकते हैं कोई भी लोकल इंफेक्शन आया है या पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया है पहले से आपकी ब्लड वेसल्स की माइक्रोवेस्कुलेचर जो था उसकी ब्लड सर्कुलेशन क्या थी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई थी नैरो डाउन हुई हुई थी लेकिन ब्लड सर्कुलेशन थी अब क्या होगा कि कोई भी आपका जो है स्ट्रेस की आपका इंफेक्शन आया या हार्ट फेलियर हुआ तो जो उसकी थोड़ी बहुत ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट थी वो भी क्या होगी सडन स्टॉप हो जाएगी एज अ रिजल्ट क्या होगा वहां पे वेट नेक्रोसिस एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है ठीक है और ये डिफर होती है ड्राई पेरिफिल गेंग्रीन से जो आपके आर्थ्रोपैथीज में मिलती है ठीक है और जो आपकी वेट गैंग्रीन होती है ये डायबिटीज मेलाइटिस की लेट मैनिफेस्टेशन में आपको जो है वेड गैंग्रीन जो है वो प्रेजेंट होगी अब नेक्स्ट हम कहते हैं वेस्कुलर चेंजेस में एरिसप्ला लाइक अरिदमा होगा अब ये वेल डिमार्केटेड अरिदमा यानी रेडनेस होती है जो मोस्टली आपके लेग एंड फीट को जो है वो इन्वॉल्व करती है एंड ओल्ड एज में जो है ये ज्यादा कॉमन होती है ओल्ड एज में जी आपके ज्यादा कॉमन होगी जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो है जो चेंजेस आ जाएंगी वो है डायबेटिक डर्मोपैथी अब डायबेटिक डर्मोपैथी भी जो है वन ऑफ द अच्छा जो डायबेटिक डर्मोपैथी देन डायबेटिक डर्मोपैथी है डायबेटिक डायबेटिक डर्मोपैथी में एसिमेट्रिकल ओवर एंड डल रेड पेफ्यूज होंगे जो 0.5 पॉइंट फाइव टू वन सेंटीमीटर इन डायमीटर होंगे और ये स्लोली स्लोली uh, जो है वो एवेलिएट होंगे इन द शिन में फोर आर्म में थाइस में एंड ओवर द बोनी प्रोमिस पे तो शिन आपकी जो है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है और फोर आर्म ये यहाँ ये क्यों इन्वॉल्व होती है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगी वो ज्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है पहले भी जो है वो जो है हाईली वेस्कुलर uh, जो है ये

जो है एंजियोपैथीज की वजह से और इंक्रीज होने की वजह से। अब इसका पहले प्रीवियस स्टडी परसेंट लेकिन कैसे जो है वो, आपको जो है वो मिलेगी इसमें आपका जो है वो, आ, स्किन जो होगी जो होगी इस तरह की इस स्लाइड में अगर आप देखें तो इसमें आपको रूबोसिस है रेडनेस हुई हुई है पेशेंट की पेशेंट जो है वो रोजी रेड अपेयरेंस है फेस की इसको हम रूबोसिस कहेंगे जो कि आपके डर डायबिटीज मेलाइटिस का जो है एक वेस्कुलर फीचर जो है वो आ जाता है तो यहाँ तक जो थे वेस्कुलर फीचर्स हमारे पास जो है वो वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़ में यही फाइव वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आपको जो है वो मिलती है नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल डैमेज है ये भी वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है मोर देन फिफ्टी परसेंट आपके जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो डिवेलप होता है अब ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होगा इसमें आपको जो है वो क्रोनिक सिमिट्रिकल लॉन्ग लेंथ डिपेंडेंट सेंसरो सेंसरो मोटर न्यूरो जो है पोली न्यूरोपैथीज मिल सकती हैं जो कि एंडो न्यूरल वेस्कुलर के डैमेज होने की वजह से जो है वो मोस्टली होंगी या इसमें आपको जो है अम्म इसके अलावा आपको इसमें जो है ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन मिलेगा उस ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन की वजह से न्यूरोपैथिक पेन होती है जो कि लेटर फीचर है इसका और पेन जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा नमनेस की टिंग सेंसेशन की एकिंग की बर्निंग ऑफ द लेग्स की और मोस्टली ये पेन जो है वो नाइट टाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है अब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के इम्पेयरमेंट की वजह से डिक्रीज स्वेटिंग भी जो है आपको लेग्स की मिलेगी लेकिन कंपनसेटरी वे में जो बॉडी की अदर पार्ट ऑफ द बॉडी होंगे वहां पे ये स्वेटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो डायबिटिक पेशेंट स्वेटिंग की कंप्लेन करेगा लेकिन लेग पे स्वेटिंग नहीं होगी लेग जो है उसकी ड्राई होगी और कंपनसेटरी मैकेनिज्म के जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज होंगे वहां पे स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है इसके अलावा एडिमा अरिधमा एंड आर्थ ए ट्रॉफी भी जो है वो आपको एडवांस केसेस में जो है वो लग के मिल सकती है अब इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज है एक डायबेटिक फुट है और एक डायबेटिक फुट अल्सर है जो न्यूरो न्यूरोल डैमेज की वजह से जो है आपको मिलता है अब डायबेटिक फुट में चारकोट ज्वाइंट जो है इट इज चारको uh, चारकोट आर्थ्रोपैथी जो होगी ये आपका जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है आपकी इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन में जो है आ जाती है इसमें आपका ज्वाइंट जो होता है वो वॉम होगा स्वेलन होगा अरिथ्रोमेटस फुट एंड एंकल मिलेंगे जिसको आप मिमिक कर सकते हैं विद सेलुलाइटिस के साथ ठीक है अब इसमें आपका जो ज्वाइंट uh, होता है देखें इसमें क्या है स्वॉर्म होगा स्वेलन होगा अरिथ्रोमेटस होगा और एंकल और फुट को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद पेशेंट जो है वो सेलुलाइटिस का पेशेंट है तो सेलुलाइटिस से आप जो है इसमें मेमिक जो है वो कर सकते हैं इस पेशेंट को ठीक है अब नेक्स्ट जो है इसमें आपकी जो है एडवांस स्टेजेस में क्या होगी कि इसमें एक तो सर्कुलर सर्कुलेटरी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं और नर्व डैमेज हो रही हैं और बोन की जो है फ्रैक्चर हो सकते हैं बोन की फ्यूजन हो सकती है तो इसमें आपको डिफॉर्म्ड जो है आपका फुट जो है वो मिलता है अब डिफॉर्म्ड फुट या चार्टोड ज्वाइंट की जो फॉर्मेशन होती है उसमें फोर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसको आप कहेंगे कि ये चार्कपोर्ट जो है वो आपका फुट या फुट डिफॉर्मिटी हुई हुई है पहला पर लिखा हुआ है कि आपकी जो है डिस, डिस्टली डिस्प्लेस्ड प्लांटर फैट पैड्स हो जाते हैं और आपके जो हेड्स हैं वो डिप्रेस हो जाएंगे हैमर टोज आपके होंगे एंड पेस केवस जो जो है है वो डेवलप हो जाएगा जैसे कि इस पिक्चर में जो है, आप देख सकते हैं कि आपके जो फैट पैड यहाँ पे होनी चाहिए वो डिस्टली यहाँ पे जो है डिस्प्लेस्ड हो गई है दूसरा हाई आर्च आपका जो है वो फुट बन रहा है जिसे हम पेस केवस कहेंगे दूसरा आप देखें कि आपकी जो मेटा टॉर्सल्स uh, के हेड्स है ना वो क्या होंगे डिप्रेस डाउन हो गए हैं और ये आपकी जो चुट्टोज होते हैं वो एज अ हैमर लाइक जो है वो कंडीशन uh, हैमर जो है हैमर लाइक अपेयरेंस जो है वो शो करे हैं तो ये आपका डिफॉर्म फुट uh, की पिक्चर हो जाती है इन द केस ऑफ द डायबेटिक चार्वाइंट जो आपके डिवेलप हो रहे होते हैं फिर सेकंड जो इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो डायबेटिक फुट अल्सर्स है अब डायबेटिक फुट अल्सर्स जो होते हैं ये आपके वेस्कुलर अल्सर्स की तरह ही है उसका एक डीडी में आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप रखते हैं जब भी डायबेटिक पेशेंट को अल्सर डेवलप होंगे आप वेस्कुलर अल्सर्स कहेंगे और डायबे न्यूरोपैथिक अल्सर्स कहेंगे वेस्कुलर में फिर आर्थवे अल्सर्स आ जाते हैं एंड वीनस अल्सर्स आ जाते हैं जिसको हमने पहले फुली एक्सप्लेन कर लिया है अब डायबेटिक अल्सर उनसे कैसे डिफरेंट होगा एक तो इसकी साइट की बेसिस पे ये डिफरेंट

जो होती है क्लॉस्टी के मिडल में जो है आपको ये अल्सर जो हैं आपको मिल सकते हैं दूसरा इनमें जो है ये अल्सर्स की शेप जो होती है वो सर्कुलर हो सकती है एंड पंच आउट होगी और ये वेरी स्लो ग्रोइंग अल्सर ये स्लोली पेंट्रेटिंग अल्सर होते हैं प्रेशर एरियाज पे होते हैं और ये सर्कुलर यहाँ पे देखिए सर्कुलर होंगे या पंच आउट होंगे और मिडल टू द कोलोस्टीज जो है मोस्टली अकर्ड करते हैं इनिशियली क्या होगा आपको सब एपिडर्मल हेमोरजिक बुला फॉर्मेशन पेशेंट हिस्ट्री देगा कि पाव के नीचे एक छाला निकला था या बुला फॉर्मेशन हुई थी खून वाला छाला निकला था जो आई था इसका क्या हुआ वो फटा और उसके फटने के बाद आपकी डिस्कलरेेशन ऑफ द सराउंडिंग स्किन जो है वो हुई और उसके बाद जो है ये जो है ये अल्सर की जो है वो डेवलप हुआ और जब आप पेन का पूछेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि इसको पेन जो है वो इसमें फील नहीं होती है और आपको जो सराउंडिंग स्किन होगी वो भी डिस्कलर्ड मिलेगी जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक देखें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हेमरेजिक बुला था जो जो है जिसको रप्चर होने के बाद इसलिए देखे बीच में जो है वो हेमोरेजिक वो क्रस्ट मिल रहा है और सराउंडिंग स्किन क्या है पेल है है एंड हुई हुई और ये देखे क्लोस्टी एरिया प्रेशर एरिया और सोल पे जो है ये मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रेजेंट होता है पुअर आपका डायबिटिक कंट्रोल और एच बी एवन सी लेवल और पेरिफ्रल न्यूरोपैथी जो होती है इसमें मेन जो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती है फॉर डिवेलपमेंट ऑफ द न्यूरोपैथिक आपके लिए अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है दे आर दल्टीडिस होती है इसमें पहला आपने क्या करना होता है आपने रिवेस्कुलाइजेशन करनी होती है और जो ऑफरिंग प्रेशर होता है उसे आपने रिमूव करना है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे प्रॉपर फुटवेयर आप जो है वो पेशेंट को देंगे और इसके अलावा उसका प्रेशर आप आप उसको देंगे ओकेजनली सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है जिसमें आर्थोप्लास्टी हम करते हैं अल्सर को एक्सरसाइज करेंगे एंड ग्राफ्टिंग जो है वो आ जाती है इसके अलावा आपने जी एंड्रेनोलॉजिस्ट को भी करवाना है फोर उसके डायबेटिक गुड कंट्रोल के लिए न्यूरोलॉजिस्ट की जो है हेल्प आउट लेनी है क्योंकि उसकी न्यूरोपैथीज डेवेलप हो रही है साथ में आपने ऑर्थोपेडिक टीम को जो है वो इन्वॉल्व करना है वेस्कुलर सर्जन को प्लास्टिक सर्जन को एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जन जो होंगे यानी एक पूरी आप एक टीम जो होगी वो मिलके इसको जो है वो ट्रीट करेंगे और गुड नर्सिंग केयर की भी इसको जो है वो आपके फुट को जो है वो जरूरत होगी लोकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं तो एक तो हम डिब्राइटमेंट ट्रीटमेंट है इन्फेक्शन है इन्फेक्शन को हमने डिब्राइट कर देना है ड्रेसिंग हमने प्रॉपर करनी है और न्यू एडवांस ड्रेसिंग भी जो है वो अवेलेबल है जो हम इन पेशेंट में जो है वो कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो था ये इसके जो थे वो न्यूरोपैथिक आपके जो है वो कॉम्प्लिकेशन की जो है वो बात होगी न्यूरो न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होता है उसकी वजह से आपकी डायबिटीज जो है वो कैसे जो है वो प्रेजेंट करती है उसकी मैनिफेस्टेशन क्या थी अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इन्फेक्शन है इन्फेक्शन जो होते हैं क्यों इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट में कॉमन है जी हम कहते हैं कि इंसुलिन की डेफिशेंसी हो जाएगी या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो जो ग्लूकोज है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में हाइपर होगा और एज ऑल नो दैट जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं फंगल होते हैं इनको अपनी एनर्जी जो है वो ग्लूकोज से मिलती है तो जहां पे ग्लूकोज ज्यादा होगा तो वो उनके लिए ऐसे जैसे कि पार्टी आ, पार्टी सीन जो है वो बैक्टीरिया के लिए हो जाता है तो बैक्टीरिया की पार्टी हो जाती है जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा वो वहां पर इजली जो है वो कल्चर ग्लूकोज कल्चर ब्लड है ग्लूकोज है तो एज ए कल्चर ग्रोथ फैक्ट उनके लिए जो है वो इन्वायमेंट होती है जहां पे फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है ऑल टाइप ऑफ द इन्फेक्शन को जो है वहां पे होता होने के लिए तो इसमें जो डायबिटीज टाइप टू है ना आपकी उसमें जो है ये इंफेक्शन जो होते हैं ना वो ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू टाइप वन ठीक है अब इसमें हम कहते हैं कि इसमें सेल्यूलाइटिस और आपके आपके इंफेक्शन का ऑफ द फुट है जैसे है जैसे ये पेशेंट में आपको ज्यादा दिख रहे होते हैं आपके जितने हैं टीम है आपको जो है वो डायबेटिक पेशेंट में जो है वो ज्यादा दिखते हैं दूसरा सेल्यूलाइटिस इन पेशेंट में होने का चांस ज्यादा है क्योंकि ब्लड में शुगर जो है वो ज्यादा है ब्लड सर्कुलेशन कम हुई हुई है बैक्टीरिया इतना आ रहा है एंटीबॉडीज अगर बन भी रहे हैं तो उसको ऐसा वॉश आउट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर

हो गया इनके इनफेक्ट जो है आपके रिस्क जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है इसके अलावा हम कहते हैं कि सर्टन कंडीशन होती हैं जो कि ट्राइड बनाती हैं ओबेसिटी हाइपरलिपिडिमिया और आपकी जो है अगर पेशेंट डायबिटिक होगा तो उन कंडीशन में हमारे पास एकेंथोसिस नाइग्रिकेन जो होती है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो कंडीशन आ जाती है एक पेशेंट ओबीस हो और साथ में उसको डायबिटीज हो तो मोर प्रॉन है कि वो एकेंथोसिस नाइग्रिकेन जो है वो डेवलप कर सके अब एकेंथोसिस नाइग्रिकेन क्या होता है ये स्मूथ वेलवेटी हाइपर हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है जैसे आप यहाँ पे देखें यहाँ पे पिक्चर दी हुई है कि आपके जो एरियाज होते हैं वो मेनली मेनलीन में जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपको वेलवेटी स्मूथ वेलवेटीड स्किन मिलती है और ये आपके डायबिटीज टाइप टू के साथ ही इसका जो है वो इंसिडेंस ज्यादा होता है इसके अलावा इसमें स्किन टैक्स जो है वो साथ में हो सकते हैं सर्टन मलेग्नेंसीज हैं जो है वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने की वजह से जो है वो आ जाती है फिर यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ द जो है वो आपकी डिसऑर्डर्स आ रहे हैं ये वो इम्पॉर्टेंट है जो किन्थोसिस नाइग्रेंस के साथ है ये है लेपोक्रियोसिस जो है इस तरह की है ये थोड़े से और इसके अलावा आपका जो एंड कुशिंग सिंड्रोम है उनमें भी क्या है कि होने का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है वो हो रहे होते हैं और इंसुलिन लाइक -like ग्रोथ फैक्टर वन जो है उनकी फॉर्मेशन होगी जो जाके आपके फाइब्रोब्लास्ट और कंटिन ऑफ द स्किन को जो है वो एक्टिवेट करेंगे और हाइपरकेराटोसिस और आपकी जो है बेलबी स्किन जो है वो फॉर्मेशन हो रही होती है और हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो डिवेलप हो जाती है के के साथ diabetes के साथ जो 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 आ आ जाती जाती है है वो आपका हैं। हैं? अब skin tags क्या होते है? Skin जो है small, soft, lesions होते हैं, जो आपके एरिया हो हो में जो है वो मोस्टली प्रेजेंट जो है वो कर रहे होते हैं तो ये भी आपका जो है आपका आ जाता है एक नाइग्रिकेन और आपका जो है ओबेस्टी और जो है वो स्किन टैग्स ये साथ जो है एसोसिएट करते हैं फिर ऑफ द स्किन जो होते हैं ये भी जो है वो डायबिटीज अगर पेशेंट है जिसको डायबिटीज या हाइपर है तो उन केसेस में आपका एरप्टिव स्किन जो है वो डेवलप होते हैं यहाँ पे पिक्चर है जैसे कि ये पर्ल लाइक -like आके जो है वो येलोइश ह्यू देते हैं मल्टीपल स्मॉल पेप्यूल्स होते हैं जो एक्सटेंसर सर्फेसिस हो गए बटक्स हो गए और बैक वगैरह पे जो है डेवलप होते हैं डायबेटिक पेशेंट हो हाइपरलिपिडेमिक हो और साथ में जो है इसमें रिस्क ऑफ द पेंक्रियाटाइटिस जो होता है वो आपका इंक्रीज हो रहा होता है तो आपके सिनेरियो में आपके पास आ सकता है कि कोई भी पेशेंट है वो डायबिटिक है हाइपर है और उसको सडन uh, जो है उसके स्किन के ऊपर आपको जो है के ऊपर ऐसे के पेप्यूल्स मिल रहे हैं <coughs> और साथ में क्या है पेंक्रियाटाइटिस डेवलप हो रहा है तो वो इरप्टिव जेंथोमास ऑफ द स्किन में जो है ये होता है अच्छा जी अरेप्टिस ऑफ द स्किन के पास हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है तो इसके ट्रीटमेंट में भी हमारे पास क्या है कि आपने डायबिटीज को और हाइपरलिपिडीमिया को प्रॉपर मैनेज करना है जब आप इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे तो लिजन जो होंगे वो स्लोली जो है रिजॉल्व हो जाएंगे जब आपकी दोनों चीजें जो है वो मैनेज uh, हो जाएगी फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है के इस ट्रीटमेंट रिलेटेड स्किन मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकती है अब इंसुलिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ द जो है हम डायबिटीज मलाइटस में यूज करते हैं तो इसके स्किन uh, में जो है वो कुछ चेंजेस जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन जब हम लगाएंगे अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली कौंसल नहीं करते हैं कि जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएगा किस एरिया में बॉडी पे उसने इंसुलिन सरेंज को किस एंगल पे लगाना है और uh, जो है उसने साइड जो होती है वो चेंज करनी है और

और क्योंकि जो है वहां पे हाइपर ट्रॉफी हुई हुई है इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फर्दर पुअर डायबिटिक कंट्रोल जो है वो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा और जो आपका लाइपो ए ट्रॉफी होती है वो इम्यूनोलॉजिकल जो है रिएक्शन की वजह से होती है और ये इतना कॉमन नहीं है जितना आपकी लाइपो हाइपर ट्रॉफी जो होती है वो कॉमन है तो अगर हमसे यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइपो हाइपर ट्रॉफी जो होती है वो ज्यादा कॉमन है टू थर्ड ऑफ द केसेस में है ए ट्रॉफी के सेकेंड जो आ जाता है वो आपके एलर्जिक रिएक्शन टू द इंसुलिन है अब क्या है कि आपका ये रिएक्शन जो होता है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और आपका जनरलाइज्ड भी हो सकता है अब लोकलाइज्ड जो होता है मोस्टली जब भी आप इंसुलिन रिएक्शन होगा तो पेशेंट एट द साइट क्या है आर्टिकेरिया डेवलप करेगा पेनफुल रेड्यूस डेवलप करेगा एंड जो है वो डेवलप हो रहे होंगे ठीक अब इसके बाद इसके लिए आप क्या कर सकते हैं तो आप इंसुलिन uh, पंप uh, जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं इन रिएक्शन से जो है वो बचने के लिए लेकिन बाजों का क्या होगा कि कॉन्टेक्ट एक डर्माटाइटिस भी जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है जो निकल उसकी नीडल्स होती हैं एंड ग्लू कंपोनेंट्स होते हैं और एरी जो है ये कंपोनेंट्स की वजह से जो है वो डेवलप कर सकता है तो ये आपके लोकल रिएक्शन भी जो है वो आपको ये स्किन मैनिफेस्टेशन जो है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकती है फिर एलर्जिक रिएक्शन टू द ओरल हाइपोग्लासीमिक ड्रग्स ऑलमोस्ट हमारे पास जो ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग है इतना जो है वो स्किन रिएक्शन जो है वो कॉज नहीं करते हैं लेकिन जो आपके सल्फेनाइल यूरिया होते हैं ना ये मोस्ट कॉमन कॉल्परिट ड्रग्स हैं जो कि आपको जो है वो डिसम लाइक रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं अगर आपने सुल्फनाइल यूरिया को प्रोमामाइड के साथ दे दिया है तो उसमें इंट्रेक्षन, इंट्रेक्षन का रिस्क रिस्क ऑफ़ ड्रग का होगा और पेशेंट आपको जो है डिसल्फोरम लाइक जो है रिएक्शन के तौर पर जो है वो बॉडी पे जो है वो प्रेजेंट कर सकता है इसीलिए आपने सल्फेनाइल यूरिया के साथ क्लोरप्रोमामाइड जो है वो नहीं देने हैं अब इसमें जो आपके एलर्जी होती है ओरल uh, हाइपोग्लाइसीमिक की वजह से आपकी फोटोसेंसिटिविटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है के साथ कर सकता है एंड आपकी जो है, जो होती है ना उसके साथ पेशेंट जो है प्रेजेंट कर सकता है तो ये भी आपके हो गया अरिदमा मल्टीफॉर्म हो गया और आपकी फोटो सेंसिटिविटी है बाकी लाइक -like, ये जो आपकी है ये एसोसिएशन भी जो है वो आपको डायबिटीज के और ड्रग के साथ जो है वो मिल सकती है स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है अब ये जो थे ये आपके ट्रीटमेंट रिलेटेड स्किन मैनिफेस्टेशंस जो थी वो थी अब कुछ हमारे पास डिजीजेस एसोसिएट करती हैं विद द जेनेट जो है जेनेटिक सिंड्रोम के साथ अब इसमें रिएक्टिव रिएक्टिवरेटिंग पॉलीजिनोसिस जो होता है जिसे फॉलिक्यूलाइटिस कहते हैं आर जिसे हम कहते हैं ये भी आपको डायबेटिक पेशेंट में जो है मिलता है मोस्टली हमारे पास इसकी रीनल के साथ इन्वॉलमेंट अगर डायबेटिक पेशेंट नेफ्रोपैथी डिवेलप कर देता है और अगर डायलिसिस पे है तो मोस्टली हमारे पास जो है वो आर डेवलप होते हैं लेकिन विदाउट रीनल इनसेफिशंसी भी आपके पास ये पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है इसमें मेजर क्या होता है ऑफ़ द कॉलेजिन हो जाती है यानी आपका जो कॉलेजिन डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है उसकी क्या होगी वो डिजेनरेट हो जाता है ठीक है और उसमें ग्लैकोज ग्लूकोज इंक्रीज हुआ है वो जाके ग्लैसरेट कर देता है अब कोई भी माइनर ट्रोमा स्किन को पड़ेगा होगा या कोई भी प्रेशर पड़ेगा या कोई भी स्क्रेचिंग स्क्रेच करता है पेशेंट अपनी स्किन को ईजिंग क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा वहां पे आपको रिएक्टिव रिएक्टिवरेटिंग कोलिजिनोसिस की तरह के लीजन मिलते हैं अब ये लीजन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मल्टीपल आपको जो होते हैं मल्टीपल पहले छोटे पेप्यूल्स होते हैं जो आप फर्दर जो है वो अल्सर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होंगे उसका क्रस्ट होता है वेल well, एरियाज होते हैं और ये आपके जो है थ्रू लोअर एक्सट्रीमिटीज बैक हो गए अपर एक्सट्रीमिटीज इनको ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह का जो है आपको रिएक्टिव रिएक्टिवरेटिंग कॉलेजिस जो होती है वो आपको जो है मिलती है और क्लू में आपको दिया हुआ होता है कि ये पेशेंट जो है वो डायबेटिक है और साथ में जो है इसकी जो है वो डायलिसिस पर होगा या आपके सो

और कप शेप डिप्रेशन है है इमेजिनेशन ऑफ है विद आपके एपिडर्मल प्रोसेसिस और ये कप शेप आपको इमेजिनेशन मिल रही है जी अब इस कप शेप के अंदर आपको क्या मिल रहा है आ, इसके अंदर जो है अगर आप देखें यहाँ पे इसके जूम मैंने किया है तो ये देखें कि ये आपको जो जितना दिख रहा है ना ये पिंक पिंक से ये आपके जो है डिजेनरेट जो है वो कॉलेजिन है ठीक है और ये जो आपको ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ये बेजोफिलिक प्लगिंग हुई हुई है तो इसको हम सेंट्रल बेजोफिलिक प्लगिंग ऑफ कैरेटिन है ये सारी आपकी सेंट्रल प्लगिंग ऑफ आपको मिल रही है साथ में आपको ये आपको मिल रहे हैं ये पिंक पिंक जो आपको दिख रहे हैं और साथ में इसमें इन्फ्लेमेटरी है वो प्रेजेंट है और इसमें आपको जो अगर आप नीचे जाएंगे इन टू द अंडर लाइनिंग डरमेस में ना अंडरलाइनिंग डर्मिस में आपको जो है ये अंडरलाइनिंग डर्मिस को यहाँ पे अगर आप देखें कि इसके नीचे की जो डर्मिस है वहां पे आपको ऑल्टर कॉलेजिन जो है वो मिलेगा ठीक है और ट्रांस एपिडर्मल इन्वेजिनेशन ऑफ द तो दॉलेजिन और कॉलेजिन फाइबर जो है वो ट्रांस एपिडर्मल उसकी इन्वेजिनेशन हुई भी है तो ये आपके रिएक्टिंग जो है इसकी हिस्टोपैथोलॉजी कुछ आपको इस तरह जो है वो दिखती है आ, इसके अलावा जो है इसकी नेक्स्ट जो इसका जो स्टेन होता है स्पेसिफिक स्टेन होता है रिएक्टिव रिएक्टिविंग कॉलिजिनोसिस के लिए मैसन ट्राइकोम स्टेन जो होता है इसके लिए हम जो है वो यूज करते हैं नेक्स्ट जो आपके आ जाती हैं ऑटो इम्यून वन ऑफ द इसकी बहुत ज्यादा एसोसिएशन है ऑटो इम्यून डिजीजे सेवन टाइप ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती हैं वो आपकी ओवरलैप करती हैं डायबिटीज मलाइटिस के साथ तो उस ऑटो इम्यून डिजीजेज की मैनिफेस्टेशन भी जो है आपको डायबिटीज में जो है वो मिल सकती है सबसे मोस्ट कॉमन जो इसकी आपकी डिजीज uh, एसोसिएट करती है और ये ज्यादातर टाइप वन डायबिटीज के साथ जो है एसोसिएशन है क्योंकि टाइप वन डायबिटीज भी वन ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज उसमें फॉर्मेशन है वो भी ऑटो इम्यून ही है तो इसमें क्या है ऑटो इम्यून में हमारे पास थायरोडाइटिस जो डिजीज है ना ये सबसे कॉमन है फिफ्टीन टू थर्टी परसेंट जो होती है वो डायबिटीज के साथ इसकी एसोसिएशन है मोस्ट कॉमन है और हाइपोथेरायड में जो है मोस्ट कॉमन है और हमें पता है कि अगर आपका थेरॉइड होता है तो पेरीटी मैक्स एडिमा आपको जो जो है वो के पेशेंट में जो है मोस्टली मिलता है तो आपको शिंस के ऊपर पेरी टीबियल डायबिटीज के साथ मिल सकता है अगर डायबिटीज और थेड दोनों एक साथ पेशेंट में जो है प्रेजेंट हो तो डायबिटीज का थेरॉयड के साथ सबसे ज्यादा कॉमन एसोसिएशन आता है इसके अलावा आपका जो है सीलिय uh, डिजीज जो है ये भी आपकी डायबिटीज के साथ एसोसिएशन है इसकी फोर टू नाइन है और डायबीलेक्ट डिजीज में

है डायबिटीज मलाइटिस के साथ इसके अलावा आपको एलोपेशिया इरियाटा भी जो है वो डायबिटीज के साथ लिंक करता है लेकिन उसका कितना परसेंटेज है ये यहां पे जो है वो मैंशन नहीं और अभी तक इतना लेस क्लियर है फिर आ जाते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें पेशेंट जो होते हैं वो प्रॉन्स टू वर्ड डिवेलपमेंट ऑफ द डायबिटीज होते हैं जैसे आपका वेबन, आ, वर्नर सिंड्रोम है 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 वो डायबिटीज वर्नर का एसोसिएशन एसोसिएशन प्रोटीनोसिस सिंड्रोम्स के साथ होता है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस जो होती है कुशिंग सिंड्रोम है एक्रोमैली है एंड लेपोडिस्ट्रोफीज जो होती है इनका इंसिडेंस जो है आपका डायबिटीज इनके साथ जो है वो डायबिटीज हो सकता है तो आपका लेपॉयट प्रोटीनोसिस के फीचर्स भी आपको डायबिटीज में मिल सकते हैं क्योंकि लेपॉय प्रोटीनोसिस के पेशेंट में भी डायबिटीज़ जो है वो हो सकती है, है। है है ठीक ये आपके जो है वो genetic, जो है वो वो जेनेटिक कुछ कंडीशन आ जाती हैं, जिनका एसोसिएशन जो है वो आ जाता है फिर इसके बाद कुछ माइनर कंडीशन हैं जो है वो आपकी डायबिटीज के साथ जो है एसोसिएशन होती है इसमें ग्रैनुलोमेटस आपकी जो है वो कंडीशन आ जाती है अब ग्रैनुलोमेटस कंडीशन दो कंडीशन है ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर्स हैं जिनका एसोसिएशन डायबिटीज के साथ है एक नेक्रोबायोसिस लेब्रिटिका का है और एक ग्रैनुलोमा एनुलारे का है अब नेक्रोबायोसिस लेब्रिटिका ये भी हमें पता है कहाँ पे मोस्टली जो है वो प्रेजेंट होता है आपके शिन एरिया पे जो है डायबिटीज जो है लेग्स पे होता है ये बायलैटरल जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट करा होता है और इसमें क्या है कि लाइफ टाइम रिस्क है किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज हुई है तो नेक्रोबायोसिस का जो है वो डेवलप हो सकता है ठीक है अब इसमें हमारे पास जो चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट 15 ईयर जो है पेशेंट जो होता है ना ग्लूकोज इंपेयरमेंट होगी तो आफ्टर द तो 15 ईयर जो होंगे उसे लेपोबायोसिस नेक्रोबायोसिस लेबोटिका नेक्रो जो है वो डेवलप हो सकता है अब नेक्रोबायोसिस नेक्रोबायोसा की भी हिस्टोपैथोलॉजी वन ऑफ द है हमारे लिए अब यहाँ पे अगर आपको आ, मैंने आसानी से अगर याद रहने के लिए ये है नेक्रोबायोसिस लेबेटिका क्या है तो इसमें क्या है कि ये तो एक डर्माटाइटिस जो है ये डायबिटीज का एक डर्माटाइटिस को आप कह सकते हैं ठीक है जी इसमें पेशेंट जो होता है वो कैसे प्रेजेंट करता है येलो ब्राउन पेलजेक्टेजियास होंगे टेल्टेटिक्लॉक्स होते हैं जिसमें सेंट्रल आपको ट्रॉफी मिलती है और रेस्ड वॉलिशियस बॉर्डर है तो इस रेस्ड वॉलिशियस बॉर्डर में आप जो है पायो पीजी पायो जो है वो सोक सकते हैं लेकिन उसका भी एसोसिएशन डायबिटीज के साथ होता है लेकिन क्या है कि इसकी सेंट्रल ए होती है जबकि पीजी में सेंट्रल ए नहीं होते और इसमें आपको येलो ब्राउन टेलनजेक्टेजिया होंगे और ये बायोलेट्रल आपके पेरी टीबियल रीजन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं अब इसकी आपकी जो होती है अल्सरेशन जो होती है इनमें मोस्ट कॉमन होती है अब इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है ना वो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है जिसकी स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है नेक्रोबायोसिस का जो होता है ये ग्रेनोमेटर्स डिजीज है एज नेम शो तो इसमें हमें ग्रेनुलोमा तो मिले ही मिलेगा ग्रेनुलोमा आपको जो है कहाँ पे मिलेगा डर्मिस में मिलेगा और ये डीप डाउन टिश्यू को जो इन्वॉल्व करेगा तो एपिडर्मिस इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी आपको ग्रेनुलोमा जो होगा वो डर्मिस में मिलेगा और ये नेक्रोबायोटिक कॉलेजिन होंगे जो पहले साइडिंग करते हैं ग्रेनुलोमीटर्स को और आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो है लेयर ऑफ द केक पैटर्न जो है वो मिलता है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी एक स्लाइड है तो आपको ऐसे आ, ये बीच में आपको टिश्यू होगी यहाँ, यहाँ पे अगर क्लोज देखें तो नेक्रोबायोसिस आपको ये देखें ये जेंट सेल्स मिल रहे हैं और ये नेक्रोबायोटिक एरिया है अगर ये दूर की साइड देखे और इन के दरमियान में क्या है पहले साइड क्या हुआ है आपके कॉलेजिन ने और ये आपको ऐसी अपियरेंस देगा जैसे पीस ऑफ केक पड़े हुए हैं लेयर केक लेयर्स ऑफ आपका केक जो है लेयर्ड केक है उस तरह की आपको अपेयर दे, अपेयरेंस देगा आप इस स्लाइड में अगर देखें तो इसकी जो आपकी सेवरल लेयर ऑफ द नेक्रोबायोसिस ये आपकी नेक्रोबायोसिस को शो किया गया है और सुपरफिशियल एंड डीप इन्फिल्ट्रेट्स आपको डीपेस्कुलर पे आप देखें सुपरफिशियल सुपरफिशियलेंट है और आपका सेल्स इन द जो है वो प्रेजेंट है और सेप्टल पेंक्यूलाइटिस प्रेजेंट है और निफोटाइड सेल एग्रीगेट किए हुए हैं जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में तो ये आपके जो है नेक्रोबायोस्ट जो है वो नेलोजिन जो है ये आपका नेक्रोबायोसिस जो है वो प्रेजेंट है नेक्रोबायोसिस के है, और बीच में आपका कॉलेजिन जो है वो इनको सेपरेट कर रहा होता है नेक्स्ट uh, जो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट uh, ये uh, जो है ये आपका और क्लिनिकली आपका जो नेक्रोबायोसिस नेक्रोबायोसिसबोटिका है इसी तरह की uh, जो है वो अपेयरेंस जो है वो देगा ये आपके सारी पिक्चर्स है नेक्रोबायोसिसब्रटिका की ठीक है शिन्स को जो है वो मेनली इन्वॉल्व करता है फिर आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेनुलोमा एनुलैरे अब ग्रेनुलोमा एनुलैरेरा का कहते हैं कि क्लियर एसोसिएशन नहीं है कि ये डायबिटीज के साथ होगा लेकिन कुछ आपकी केस रिपोर्ट्स हुई हैं जिसमें देखा गया है कि ग्रेनुलोमा एनुलैरेरे जो होता है वो आपका जो है वो डायबिटीज के साथ जो एसोसिएट करता है अब ग्रेनुलोमा एनुलेरे की भी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है मोस्टली जो आपका नेक्रोबायोसिस है और है इनकी जो आपकी होती है ना हिस्टोपैथोलॉजी मोस्टली सेम होती है है इसमें भी नेक्रोबायोसिस जो है वो हिस्ट्रोपेथोलॉजी प्रेजेंट होते हैं लेकिन पहले सीडिंग कॉलेजिन की जगह पे ज्यादा क्या होते हैं हिस्ट्रियोसाइड होते हैं और मल्टी सेंट्रिक आपको जेंट सेल मिलते हैं फोकल कॉलेज मिलती है और म्यूसिन डेपोजिशन गेनुलोमा एनुलरे में इंक्रीज होती है म्यूसिन डेपोजिशन ग्रेनुलो एनुलरे में आपको

फिर और ट्रीटमेंट इन सबकी ज्यादातर क्या है कि आपने डायबिटीज को जो है वो कंट्रोल करना है फिर हम कहते हैं कि जो आपकी डायबिटीज के साथ ऑल्सो जो स्किन होती है एंड ज्वाइंट होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं अब जो स्किन होती है वो आपकी थिकिंग थिकनेस ऑफ द स्किन होगी एंड स्टिफ ज्वाइंट जो होते हैं ये क्यों बनते हैं क्योंकि आपने पहले कहा कि जब आपका एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइको एडवांस ग्लैकोज रिलेटेड एंड प्रोडक्ट जो होती है ना वो इसमें इंक्रीज हो रही होती है अब ये एंड प्रोडक्ट क्या करती है ये इर रिवर्सेबली जाके क्रॉस लिंक

होंगे अब इसकी ट्रीटमेंट में आपको जो है वो क्या है कि इसकी इम्प्रूवमेंट क्या है कि आपने जो है वो एस, आ, दे सकते हैं रिड्यूस करता है ग्लैको सेफेक्ट होगा तो स्किन स्टिफनेस की ट्रीटमेंट में आप एक एस्परीन जो है पेशेंट को दे सकते हैं जो है वो हेल्पफुल होती है और सर्टन अन जो है अनसर्टन बनी जो है वो ट्रीटमेंट है जैसे फोटोथेरापी है फोटो आपकी फोरेसिज है रेडियोथेरापीज है प्रोस्टोसाइक्लिन हैं, हाई डोज ऑफ द पेंसिलीन है साइक्लोस्पोरिन है फैक्टर 13 एंड सार्बिटोनोल जो होते हैं ये आपके जो होते हैं वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं इस जो इरिवर्सेबल क्रॉस लिंकेज हो रहा होता है इसको इम्प्रूव करके स्किन की स्टिफनेस और ज्वाइंट को जो है वो करने के लिए फिर कैरियो आ जाती है अब कैरो जो होती है इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी जो स्किन होती है ना डॉर्सम ऑफ द हैंड मोस्टली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें वैक्सी टाइट स्किन ऑफ द बैक ऑफ द हैंड हो जाती है ठीक है और इसमें क्या होगा आपकी लिमिटेड ज्वाइंट मूवमेंट होंगी जिसे हम प्रेयर साइन जो है कहेंगे और ये आपका डायबिटीज टाइप वन टाइप टू दोनों के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है अब ये माइक्रोवेस्कुलेचर चेंजेस की वजह से हो रहा होता है और न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी रेटिनोपैथी के साथ आपकी जो सर्वाइकल ज्वाइंट होता है ना वो भी स्टिफ हो जाता है तो डायबिटिक पेशेंट में भी सर्वाइकल ज्वाइंट की जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट में सर्वाइकल ज्वाइंट हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है सर्वाइकल ज्वाइंट की स्टिफनेस हो रही होती है इसी तरह हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें भी सर्वाइकल ज्वाइंट की स्टिफनेस आपको जो है वो दिखती है जो जब आपने इंक्यूबेट करना है उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है इसलिए डायबिटिक पेशेंट को इंक्यूबेट भी आप आसानी से नहीं कर सकते अब यहाँ पे इसके आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको डोसम ऑफ द हैंड है इसकी स्किन जो है वो वैक्सी और टाइट है तो इसको जो है हम कहेंगे नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो इंपॉर्टेंट है इसके आ जाता है फिंगर बेबल्स अब फिंगर बेबल्स पेबल्स जो है फिंगर पेबल्स भी जो है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है आपके डायबिटीज के साथ जो है वो प्रेजेंट होती हैं अब ये कहाँ पे आपको जो है ये प्रेजेंट होती हैं अब फिंगर पेबल्स आपको कैसे दिखेंगे आपकी जो डॉसम डॉसम ऑफ द जो आपके फिंगर होते हैं मोस्टली uh, जो नकल्स होंगे उन एरिया पे आपको स्मॉल uh, जो है वो पेप्यूल्स मल्टीपल ग्रुप ऑफ दाइन्यूट से आपको जैसे कि छोटे छोटे से पेप्यूल्स हैं ग्रुप में हैं और मल्टीपल है एक्सटेंसर ऑफ़ फिंगर पे है नकल पैड्स के और आपके नेल के पेरि एंगुल एरिया जो होंगे वहां पे जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब ये विदाउट एकेथोसिस नाइग्रिकेन भी आपको जो है मिल सकते हैं अगर के साथ आपको ये पेबल्स भी जो है सकते हैं इन्हें हम फिंगर पेबल्स कहते हैं फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज आ जाती है वो है आपका स्क्रीरोडीमा डबर्टिकुलम अब सर स्कीरोडीमा डायबेटिक कुलम क्या होता है इसमें आपकी थिकनेस ऑफ द स्किन होती है ठीक है क्या है डायबेटिक पेशेंट होगा और ये आपको प्यूडी ऑरेंज अपेरेंस देती है बैक ऑफ द जो आपका नेक ऑफ द नेक से लेकर जो बैक आपकी अपर बैक होती है ना अपर बैक वो आपकी थिक होगी अः प्यूडी ऑरेंज अपेयरेंस दे रही होगी डायबिटीज होगी हो साथ में पेशेंट इसमें बेसिकली म्यूसिनोसिस भी जो है ये फॉर्म ऑफ द म्यूसिनोसिस भी जो है इसको स्कीरोडीमा डायबेटिक कुलम कहते हैं तो सर इसका जो 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 है 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 आपका आपका के 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 साथ 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 और और होता ये होती ठीक तो भी जो है, वो ट कर रहा होता है ये भी इसकी स्किन मैनिफेस्टेशन में जो है ये अदर नेम आ जाता है नेक्स्ट जो हम कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना इसकी एक कंप्लेन ये होती है कि इसमें फ्रूराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन होती है इटस जो है वो डायबिटीज पेशेंट में क्यों कॉमन होती है ट्रंकल इसमें दो तरह की प्यूराइटस आपको मिल सकती है या तो पेशेंट को ट्रंकल फ्यूराइटस होगी पेशेंट बोलेगा हर वक्त मेरे ट्रंक के ऊपर जो है वो ईच होती है या पेशेंट जो है वो एनोजेनेटल आपको जो है वो प्यूराइटस की कंप्लेन देता है जो ट्रंकल ट्राइटस आपकी होती है वो बेसिकली ऑटोनोमिक नर्व डैमेज की वजह से जो है वो हो रही होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से आपको ट्रंकल ट्रूराइटस जो है वो मोस्ट कॉमन होती है इन अ डायबिटिक पेशेंट में जबकि जो जेनिटल ट्राइटस होती है वो सेकेंडरी टू इन्फेक्शन होती है और जैसे कैनिडीडियाज है एंड हीमोलेक्टिक जो है स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है ये दो आपको एनोजेनिटल ट्रोराइटस जो है वो कॉज करवाते हैं दूसरा है हमारे पास डायबेटिक बुला अब डायबेटिक बुली भी जो है वो आपको पेशेंट जो होगा ये पेनलेस कंडीशन होती है अब इस पिक्चर में जैसे शो हुआ हुआ है इसमें क्या होता है कि ये नॉन स्कारिंग आपको जो है वो सब एपिटर्मल बुला बनता है जो बहुत बड़ा भी सेवरल सेंटीमीटर का होगा कोई इन्फ्लेम्ड बेस नहीं है जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि इसमें आपको कोई इन्फ्लामेशन नीचे बेस में वेल डिमार्केटेड एक आपको बुला फॉर्मेशन भी हुई है क्लियर फ्लूड आपको दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट सा है और इसमें जो है ट्रांसपेरेंट सॉरी ट्रांसपेरेंट सा है आपको और इसमें आपको कोई भी इन्फ्लेम्ड बेस जो है वो इसमें आपको नहीं दिख रही है तो इसके जो और जब ये खुद ब खुद जो है रप्चर भी हो सकते हैं और पीछे जो है कोई स्कारिंग ये नहीं छोड़ते हैं ठीक है तो डायबेटिक बुलाई भी जो है वो एक ऑफ कॉम्प्लिकेशन है डायबेटिक पेशेंट में हो सकती है और ये आपके लोअर एग पे एंड फीट पे हैंड एंड फिंगर पे जो है वो कॉमनली प्रेजेंट होती है और ये भी आपका जो है डायबिटीज में होता है और सेवरल वीक्स लगते हैं इसे हील अप होने के लिए फिर कहते हैं कि कुछ कंडीशन हमारे पास हैं जो डायबिटीज के साथ एसोसिएशन करती हैं जैसे सोरियासिस आपका जो है उसका साइड डायबिटीज के साथ एसोसिएशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है और उसका जो है डायबिटीज मेलाइटिस एक कंपोनेंट है इसके अलावा आपकी जो कैल्सिफेलेक्सिस होती है और नेफ्रोजेनिक फाइब्रोसिस जो होती है डर्मोपैथीज उसमें भी आपको डायबिटीज जो है वो आपको एक फैक्टर जो है वो मिल सकता है और आपके जो डायबिटिक पेशेंट होता है ना उसमें स्किन वैसे ही येलो स्किन और नेल आपको जो ना, वो येलो ह्यू देते हैं और आपके जो लेकन है, वो भी डायबिटीज के साथ जो है एसोसिएट करती है तो जैसे बहुत सी ऑटोमिन डिजीज जैसे हमने पहले भी पढ़ा है मोस्टली बटलाइगो हमने कहा कहा, डिजीज कहा और एडिसन है इसके अलावा हमारे पास जैसे कुशन सिंड्रोम थी एक्ट्रोमैली का डायबिटीज के साथ एसोसिएशन था इसीलिए जो स्किन में सोरियासिस आपकी आ जाती है लेकिन प्लेनस आ जाती है मेटाबॉलिक आपकी जो है सिंड्रोम्स है कैलीफ्लेक्सिस कल्सीफ्लेक्सिस वगैरह है इनका भी आपका जो है वो डायबिटीज के साथ जो है वो एसोसिएशन देखा गया है लेकिन कितना इंसिडेंस है ये जो है वो अभी तक नहीं पता है थैंक um, यू आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन